क्या इफ्फत के इल्जामों को सुन अदनान शेख ने खो दिया था आपा? क्या अपनी ही बहन के प्राइवेट पार्ट पर अदनान ने किया था हमला? अदनान शेख की बहन इफ्फत ने भाई पर लगाया सनसनीखेज इल्जाम। इफ्फत के संगीन आरोपों को सुन यूट्यूबर के फैंस भी हुए हैरान। जी हाँ, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान शेख पर उन्हीं की बहन इफ्फत ने एक बार फिर नए इल्जामों की झड़ी लगाई है और इस बार इफ्फत ने अदनान पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इफ्फत ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में दावा किया है कि गुस्से में अदनान ने इस कदर आपा खो दिया था कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर ही हमला कर दिया था। बता दें कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान शेख ने बीते महीने 25 सितंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आयशा शेख के साथ निकाह किया था। हालांकि अपने निकाह के चंद दिन बाद ही अदनान बुरी तरह से मुसीबत में फंस गए। यूट्यूबर की बहन इफ्फत ने उन पर मारपीट करने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही अदनान का घरेलू मामला मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। भाई पर हमला बोलते हुए इफ्फत कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुकी हैं, लेकिन इस बार इफ्फत ने एक्टर यूट्यूबर पर जो इल्जाम लगाया है वो बेहद गंभीर है। भाई की इस हरकत के बारे में बताते हुए इफ्फत ने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि अदनान ने उनके प्राइवेट पार्ट पर लात से हमला किया था। इस बारे में बताते हुए इफ्फत ने कहा कि सबको बोलता है कि मैं घर चलाता हूँ और कोई उसे छू नहीं पाएगा। उसने मुझे मारा, उसने मेरे ससुर को मारा, उसने सड़क पर यह सब किया। मैं चिल्लाती रही, किसी से इसे रिकॉर्ड करने के लिए कहती रही। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी लात मारी। इफ्फत ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अदनान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी तब पुलिस ने अदनान को अरेस्ट भी किया था। हालांकि कुछ ही घंटों बाद अदनान को बेल मिल गई थी। अपने इंटरव्यू में इफ्फत उस वजह का खुलासा भी कर चुकी हैं जिसके चलते दोनों भाई बहन का रिश्ता इस कदर बिगड़ा। इफ्फत के मुताबिक भाभी आयशा की वजह से ही अदनान और उनके बीच गलतफहमियां बढ़ी थी। अदनान की बीवी आयशा के बारे में बोलते हुए इफ्फत ने कहा कि जब हम एक साथ होते थे तो हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। तब वो होने वाली बीवी थी ना, उसे परिवार में आना था तो तब वह अच्छी थी। जब हमारे बीच अच्छा रिश्ता था तो हमने अपने कुछ सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए और जब उसके और अदनान के बीच झगड़े चल रहे थे तो उसने मेरे सारे राज उसको बता दिए। फिर मैं भी चुप नहीं रही, मैंने भी उसका सब बता दिया, जिसके बाद अदनान ने मेरे परिवार को मुझसे कोई कॉन्टेक्ट ना करने की वार्निंग दे दी। बता दें कि इफ्फत ये दावा कर चुकी हैं कि अदनान की बीवी आयशा शेख असल में हिंदू हैं। आयशा का असली नाम रिद्धि जाधव है। अदनान और रिद्धि लंबे वक्त से डेटिंग कर रहे थे। निकाह के लिए अदनान ने रिद्धि का धर्म परिवर्तन करवाया था और रिद्धि से आयशा बनाया था, जिसके चलते रिद्धि के परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अपने घर से निकाल दिया था। शादी से पहले एक साल तक रिद्धि अदनान के घर पर उन्हीं के साथ रही थी। इफ्फत के मुताबिक उन्होंने ही अदनान के कहने पर रिद्धि को हिजाब के बारे में बताया था और पर्दा करना सिखाया था। इफ्फत आयशा की कई तस्वीरें भी वायरल कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।